वाइल अंबर्टो इको जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा ही इज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना सी द स्पेलिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है बोलोना जी साइलेंट एंड बोलोना इज इन इटली, ही हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज ए स्कॉलर फॉर इज आइडियाज फॉर्मिडेबल मतलब बहुत मजबूत बहुत विशाल स्तर पर बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल रेपुटेशन टू एक्वायर मतलब प्राप्त होना पाना मिस्टर इको हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड उन्होंने ऑलरेडी बहुत प्रसिद्धि पाली है फॉर्मिडेबल रेपुटेशन रेपुटेशन मतलब प्रसिद्धि पाली है एज ए स्कॉलर स्कॉलर मैने विद्वान किस चीज के स्कॉलर For his ideas on semiotics. Semiotics is a new subject. It means the study of science. Science Matlab S-I-G-N. Chin. Chinho ka dhyan. This is a new subject for you all. In India, probably we may not have this particular subject at all. इट इज नॉट साइंस एस आई एन एस आई एन सी साइंस नहीं है ये साइंस है चिन्ह साइन लैंग्वेज चिन्हों से बात करना तो so, चिन्हों का भी अपना विज्ञान होता है जिसका अध्ययन इन्होंने किया है आइडिया ऑन एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सेमियोटिक्स स्टडी ऑफ साइन ही इज ऑल्सो फेमस फॉर लिटररी इंटरप्रटेशन साहित्यिक व्याख्या साहित्य संबंधी व्याख्या के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। टू इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना समझना साहित्य की जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसके गहराई पे जाकर उनके असली मीनिंग पर जाने की कोशिश करना ये काम मिस्टर अम्बर्टो करते थे और उसके लिए बहुत प्रसिद्धि भी पाई कि कोई सी पंक्ति क्यों लिखी गई है इसके पीछे क्या तथ्य है लिटरेरी इंटरप्रेशन एंड ऑल्सो ही इज फेमस फॉर मेडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न इंटू सम एल्थ और वो इसलिए भी प्रसिद्ध थे प्रसिद्ध हैं कि वो मध्यकालीन एस्थेटिक्स सुंदरता मध्यकाल की सुंदरता की जो कला है उसका इन्होंने गहन अध्ययन किया है एस्थेटिक्स मतलब सुंदरता मेडिवल मीन्स मध्यकाल मॉडर्न मतलब आधुनिक काल एंशियंट मतलब प्राचीन काल मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकाल का भारत तो ही इज ऑलरेडी फेमस फॉर्मिडेबल रेपुटेशन बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं पहले से इंटरव्यू देने के समय तक वे वैसे ही बहुत प्रसिद्ध हो गए थे इन तीन कारणों से for the study of science, semiotics, for literary interpretation and for medieval aesthetics. और उसके बाद और उनकी प्रसिद्धि बढ़ी when he turned to writing fiction, fiction माने उपन्यास, novels. इसके बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई जब वो novel लिखने लगे, अर्थात novel लिखने का काम उन्होंने बाद में किया. उससे पहले ही वो प्रसिद्ध हो चुके थे और नॉवेल के बारे में उन्होंने क्या कहा है आई एम ए प्रोफेसर राइट नॉवेल ऑन संडेज मैं जब फुर्सत रहती है तब मैं नॉवेल लिखता हूँ बाकी समय अपना काम करता हूँ संडे इज हॉलीडे छुट्टियों के दिन मैं अपना उपन्यास लिख देता हूँ मतलब बड़ा हल्का काम वो मानते हैं नॉवेल लिखना आप समझ सकते हैं दिस मैन मस्ट बी ग्रेट पर्सनैलिटी मास्टर इन डिफरेंट फील्ड चिन्हों का विज्ञान उस पर मास्टर हैं उसके अलावा लिटरेरी इंटरप्रटेशन के मास्टर हैं उसके बाद फिर मेडिवल एस्थेटिक्स पर उनका गहन पकड़ है और बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे फॉर्मिडेबल रेपुटेशन और उसके बाद वो नोवेल लिखना शुरू करते हैं और फिर उससे उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लग जाता है

ये सबके लिए अलग अलग तरीके से लिखना होता है यू हैव टू राइट इन ए डिफरेंट वे फॉर दीज डिफरेंट थिंग्स एंड ही वॉज एक्सेलेंट इन राइटिंग दम तो वट आई मीन इज ही बिकेम ऑलरेडी वेरी फेमस बिफोर ही स्टार्टेड राइटिंग एज ए राइटर ही बिकेम मच मोर फेमस एंड एज ए राइटर ही रोड फॉर मैनी थिंग्स वेरी वाइड रेंजिंग ही इज रिटर्न आउटपुट उटपुट तो आप जानते हैं जो मिलता है कंप्यूटर में हमने कुछ लिखा वो इनपुट होता है और उसके बाद स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो आउटपुट होता है हमारे लिखने से जो दिखाई दिया वो आउटपुट हमारे प्रयास से जो परिणाम होता है वो आउटपुट तो उनका जो साहित्य में जो आउटपुट है लिखे, लिखने में जो आउटपुट है वो भी बड़ा विशाल है स्टैगरिंगली लार्ज स्टैगरिंगली लार्ज मतलब अत्याधिक विशाल अत्याधिक विशाल है और वाइड रेंजिंग है विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने लिखा है विभिन्न चीजों पर लिखा है उपन्यास भी लिखे हैं, आर्टिकल भी लिखे हैं बच्चों के लिए भी लिखा है निबंध भी लिखा है और ना जाने क्या क्या लिखा है लोग दो नावल लिखकर रुक जाते हैं एक नॉवेल लिखना दुभर होता है यहां हियर इज अंबार्टो मिस्टर अंबार्टो राइटिंग एंड नॉट राइटिंग फॉर वन थिंग नॉट राइटिंग इन वन स्टाइल ही इज इक्वली गुड एट राइटिंग इन डिफरेंट स्टाइल्स वाइड रेंजिंग एंड स्टैगरिंगली लार्ज इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्वलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टार डम उन्नीस सौ अस्सी में बौद्धिक इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक स्टारडम मतलब सुपर स्टारडम बहुत ज्यादा महानता बहुत ही ज्यादा महानता को कहते हैं सुपर स्टारडम स्टारडम स्वयं में बहुत बड़ा है यदि हम बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन आमिर खान हैव रीच द स्टारडम अमिताभ बच्चन प्रोबेबली हैज रीच द लेवल ऑफ सुपर स्टारडम इन लोगों से और ऊपर है सो ओम्बर्टो बिकेम फेमस सो मच फेमस फॉर राइटिंग दैट ही एक्वायर्ड सुपर स्टारडम पहले ही इतने फेमस थे अब लिखने में तो सुपर स्टारडम आ गया इन नाइनटीन एटी वेन ही रोट ए बुक कॉल द नेम ऑफ द रोज़ेस द नेम ऑफ द रोज़ेस ये पुस्तक का नाम है जब वो किताब इन्होंने लिखी और पब्लिश हुई तो बाजार में उसकी टेन मिलियन कॉपीज बिकी टेन मिलियन कैन यू अंडरस्टैंड सच ए बिग नंबर और वो भी उस व्यक्ति का जो विभिन्न फील्ड में लिखता था सो दिस इज फेमस अबाउट उनबर्टो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मैन

when you are going to take interview of someone very big, you also have to prepare yourself properly. you have to prepare your questions properly. you can understand, that mr. mukund padmanabhan must also must have done good groundwork before he started interview with mr. umberto. let us see what he asks and let's see what his answer is mr. Mukund, first question. the english novelist and academic david lodge once remarked, once matlab ekbar. ekbar, prasid angreji, upanyaskar or uh, vidwan. mr. david lodge, ne kaha tha, kya kahatha. i can't understand how one man can do all this. एज ही डस मुझे समझ में नहीं आता कि एक आदमी कैसे इतने सारे काम कर देता है जैसे ये करता है एक आदमी कैसे इतने सारे काम कर सकता है जैसा कि ये करता है ये मतलब कौन एको अम्बर्टो एको अम्बर्टो के बारे में मिस्टर डेविड लॉज का कमेंट देखिए कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड मुझे समझ में नहीं आता हाउ ही कैन डू सो मैनी थिंग्स हाउ वन पर्सन कैन डू सो मैनी थिंग्स एज ही डस तो मुकुंद ने कहा कि भाई आपके बारे में ऐसा रिमार्क दिया है किसी ने डेविड लॉज ने आपका क्या कहना है वॉट डू यू हैव टू से अबाउट दिस रिमार्क मिस्टर ही से मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स मे भी मतलब हो सकता है इम्प्रेशन माने प्रभाव फीलिंग अनुभूति हो सकता है मैं बहुत से काम करने की फीलिंग आपको देता हूं हो सकता है मेरे काम से आपको लगता होगा मैं बहुत सारे काम करता हूं हो सकता है आप लोगों को लगता होगा कि मैं आ, कितने सारे काम करता हूँ बट इन दी एंड आई एम कन्विंस्ड लेकिन अंत में मैं पूरी तरह से पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ पूरी तरह से संतुष्ट हूँ ये कहते हुए कि आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग कि मैं हमेशा वही काम करता हूँ आप बोलते हो इतने सारे काम करते हैं डेविड लॉज ने जो कमेंट किया है इतने सारे काम करते हैं कैसे करते हैं भगवान जाने और आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि इस पर क्या कहना है आपका तो मेरा तो कहना यह है कि मेरे काम से आपको लगता होगा कि मैं बहुत सारे काम करता हूं लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इन दी एंड मतलब अंत में या कुल मिलाकर देखें तो जिसको हम हिंदी में कहते कुल मिला देखें तो ये पुस्तक अच्छी है इन द एंड आई एम कन्विंस्ड मैं संतुष्ट हूं मुझे पूर्ण विश्वास है दैट आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग मैं वही काम कर रहा हूं जब ये जवाब आया तो मुकुंद तुरंत पूछते हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं विच इज यहां तो एक और आपके बारे में बोलते हैं आप बहुत सारे काम करते हो और आप कह रहे हो मैं वही वही काम करता हूँ तो बताइए कौन सा वो काम करते हैं विच इज दैट वर्क अम्बार्टो इकोसेज आह नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ये कहना ज्यादा कठिन है अब ये कहना थोड़ा ज्यादा कठिन है कि मैं वो एक कौन सा काम करता हूं आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट मेरा कुछ रुचि मेरी जो है वो कुछ दर्शन शास्त्र में है फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट फिलोसफी मतलब समझते हैं ना दर्शन एंड आई परसू देम टू परसू मतलब पीछा करना पीछे पीछे जाना पी यू आर एस यू ई फॉलो करना आई परसू इट परसू उच्चारण भी देख लीजिएगा आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट इंटरेस्ट मतलब रुचि और इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी होता है बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है आठ परसेंट वहां मीनिंग क्या है ब्याज और यहां इंटरेस्ट का मतलब है रुचि तो ये कहते हैं बटो कि मेरा तो आई मीन इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन मेरे लिए कहना कठिन है लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परसू दम मैं मेरा कुछ फिलासफी में कुछ इंटरेस्ट है और मैं फिलासफी को के पीछे जाता हूं चाहे वो मेरी एकेडमिक वर्क हो नॉवेल्स हो कुछ भी चीज हो आप पाएंगे इवन माय बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस मेरी जो पुस्तकें बच्चों के लिए भी लिखी गई हैं बच्चों की किताबों में भी मैं अहिंसा की बात करता हूं नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा बच्चों की पुस्तकों में भी मैं पीस की बात करता हूं विश्व शांति की बात करता हूं तो सब जगह मैं एक ही बात करता हूं यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट वही बातें एथिकल उचित और दर्शन संबंधी बातें मैं करता रहता हूं क्योंकि उसमें मेरी रुचि है चाहे मैं लिखूं या पढ़ूं या पढ़ाऊं जो भी कर रहा हूं बच्चों के लिए लिखूं या न्यूज़पेपर में लिखूं कहानियां उपन्यास लिखूं उसमें मेरा अपना चिंतन जो है वो लगातार दिखाई देता है मेरा अपना झुकाव दिखाई देता है और मेरा झुकाव फिलासफिकल इंटरेस्ट में है आगे फिर वो कहते हैं एंड देन आई हैव सी सीक्रेट एंड देन आई सीक्रेट डिड यू नो वॉट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स तुमको मालूम है कि क्या होगा यदि इस पूरे ब्रह्मांड से यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड वॉट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट टू एलिमिनेट करना मतलब हटा देना समाप्त कर देना पूर्ण रूप से समाप्त कर देना जड़ से सम, पूरी तरह हटा देना इफ यू एलिमिनेट द एमटी स्पेस यदि आप सारे खालिस्तान इस ब्रह्मांड से हटा दो तो क्या होगा आपको मालूम है खाली स्थान का मतलब क्या है जहां कुछ भी ना हो ऐसे स्थान को हटा दो और सब चीजों को एक दूसरे से जोड़ दो तो खाली स्थान खत्म हो जाएगा तो खाली स्थान खत्म होगा इफ यू एलिमिनेट द एमटी स्पेसिस इन एवरी चाहे वो एटम ही क्यों ना हो यानी जो परमाणु है जो अणु है उनके बीच में भी जो खाली स्थान है उसको भी यदि हटा दो इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी खाली दिख रहा है उसको भी हटा दो तो ये जो पूरी ब्रह्मांड है वो मेरी मुट्ठी जितनी बड़ी रहेगी बस दैट इज ए सीक्रेट अम्बाटो जब फिलोसफिकल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कहते हैं डिड यू नो वॉट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स ब्रह्मांड से यदि तुम सारे खाली स्थान हटा दो एलिमिनेट द एम टी स्पेस इन ऑल द एटम्स द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट फिस्ट मतलब मुट्ठी मेरी मुट्ठी जितनी बड़ी हो जाएगी पूरी दुनिया बस कब जब मैं सारे खाली स्थान हटा दूँ पूरे ब्रह्मांड से खाली स्थान हटा दूं तो पूरी दुनिया जो है मिट्टी जितनी बड़ी रह जाएगी दिस इज अ सीक्रेट तो जैसे पूरी ब्रह्मांड से खाली स्थान हटा दोगे और मिट्टी में आ जाएगी पूरी दुनिया सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम टी स्पेसिस इन अवर लाइफ वी हैव ए लॉट ऑफ एम टी स्पेसिस इन अवर लाइव्स लाइफ एक वचन है देखिए एल आई एफ ई लाइफ मने जीवन एक वचन और उसका बहुवचन है लाइव्स एल आई वीई एस लाइव्स लाइव्स मतलब बहुत सारे जीवन ऐसे ही एल आई वीई टू लिव मने जीना जीवन जीना टू लिव live. और लिव्स मतलब लिव से जो लिव्स बना उसका उच्चारण देखिए स्पेलिंग वही है एल आई वी ई एस लेकिन उच्चारण हो गया लिव्स टू तो लिव्स मतलब जीता है ही लिव्स इन सुंदर नगर वह सुंदर नगर में रहता है रहना जीना जीवन जीना तो जीवन जीना मतलब टू तो लिव उससे बनता है लिव्स और लाइफ मतलब जीवन लाइफ से बनता है लाइव्स उच्चारण बदला स्पेलिंग वही है ये अंग्रेजी की कुछ बारीकियां हैं जिसको हमें बार बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा सो सिमिलरली वी हैवे एम्प्टी स्पेसिस इन अवर लाइव आई कॉल देम इंटरस्टिक्स आई कॉल देम इंटरस्टाइसिस मैं उसे इंटरस्टाइस कहता हूं से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस कल्पना करो देखिए से का मतलब यहाँ क्या हुआ से मैंने कहना बट अम्बर्टो ये नहीं कह रहे हैं कहो एम्बर्टो कह रहे हैं से मतलब मान लो तो से उपयोग देखिए सेम आई एम नॉट हैप्पी मान लो कि मैं खुश नहीं हूँ यहाँ पर से का मतलब है से मतलब मान लो यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस तुम मेरे घर आ रहे हो मान लो कि तुम मेरे घर आ रहे हो यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू तुम एक एलिवेटर में हो एलिवेटर करना मतलब लिफ्ट घरों में ऊपर जाने के लिए जो लिफ्ट होता है उसका दूसरा नाम है एलिवेटर टू एलिवेट मतलब बढ़ाना एलिवेट करना मतलब बढ़ाना यहाँ एलिवेटर मतलब है लिफ्ट सो so, मान लो कुछ देर के लिए कि तुम एक लिफ्ट में हो मेरे घर आना चाह रहे हो तुम एक लिफ्ट में चढ़ गया और जब तुम लिफ्ट में आ रहे हो वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं ठीक दिस इज एन इंटरस्टाइस ये एक खाली स्थान है रिक्त स्थान है रिक्त जगह है रिक्तता है इसमें मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे आने की ये जो बीच ये जो समय है जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ये खाली स्थान है एन एम्प्टी स्पेस तो इंटरस्टाइस मतलब एक खाली स्थान you are coming to my house you have got into a lift i am waiting upstairs in front of my house for you before you come reach there is some time gap that is called interstice according to mister umberto i work in empty space while waiting for you this is a very important line ये जो खाली समय है तुम्हारे लिए जब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तो उस तो समय मैं, मैं अपना कुछ काम कर लेता हूं आई वर्क इन एम टी स्पेसिस वाईल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर आई हैव ऑलरेडी रिटर्न एन आर्टिकल ये जो खाली स्थान है जिसमें तुम नीचे एलिवेटर में चढ़ते हो और जब तक तुम ऊपर पहुंचो तब तक उतनी देर में जो खाली समय है उसका मैं उपयोग कर लेता हूं और तो और एक कहानी लिख डालता हूं मैं एक लेख लिख डालता हूं आई वर्क इन एमटी स्पेस वाईल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर आई हैव ऑलरेडी रिटर्न एन आर्टिकल और अम्बाटो हंसते हुए कहते हैं कि जब तक तुम फर्स्ट से थर्ड फ्लोर आओ खालिस्तान तब तक तुम्हें एक लेख लिख दिया और हंस देते हैं वो मुस्करा देते हैं मुकुंद पद्मनाभन पूछते हैं नॉट एवरी वन कैन डू दैट हर कोई नहीं कर सकता ऐसा हर कोई नहीं कर सकता नॉट एवरी वन कैन डू दैट हम लोग तो घंटे घंटे वेस्ट करते रहते हैं खाली बस वेट कर रहे हैं किसी का प्रतीक्षा करते रहते हैं घंटों निकल जाते हैं और उस घंटों में हमने कुछ भी काम नहीं किया यहां तो मिस्टर अम्बर्टो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने में दो मिनट लगता है लिफ्ट को उस समय का भी उपयोग करते हैं अम्बर्टो दूसरे शब्दों में इस इंटरव्यू में राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं समय की उपयोगिता वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माई डियर चिल्ड्रन सो मुकुंद से नॉट एवरी वन कैन डू दिस बाबा यर नॉन फिक्शनल राइटिंग योर स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट मुकुंदेज हर कोई ऐसा नहीं कर सकता आप जो नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखते हैं कहानी उपन्यासों की बात नहीं कर रहा हूं जो सीरियस राइटिंग लिखते हैं नॉन फिक्शनल जो विद्वत्ता से भरे हुए जो लेख लिखते हैं स्कॉलरली वर्क मैंने आपको पहले बताया था स्कॉलर माने विद्वान ही इज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद्वान स्कॉलरली वर्क जो आप करते हैं जो नॉन फिक्शनल वर्क जो आप लिखते हैं इट हैज ए सर्टन प्लेफुल उसमें कुछ विनोदपूर्ण और व्यक्तिगत गुण कुछ है उसमें मतलब आपकी छाया उसमें दिखाई देती है आपका विनोद आपका मजाकिया शैली है। आपका चीज़ों को हल्का लेने की जो शैली है और आपके जो अपने गुण हैं वो आपके इन लेखों में दिखाई देते हैं कहते हैं ना, राइटिंग्स आर द इमेज ऑफ मैन मिरर ऑफ मैन कोई कुछ लिखता है तो उस लेखनी के माध्यम से आप लेखक के बारे में समझ सकते हो इट इज द मिरर दर्पण है लेखनी दर्पण होती है किसी काल की किसी व्यक्ति की ऐसे यहाँ भी है सो मिस्टर मुकुंद से हर कोई ऐसा नहीं कर सकता नॉट एवरी वन कैन डू लाइक दिस दैट फिलिंग अप द टाइम स्पेस बाय डूइंग सम वर्क योर नॉन फिक्शनल आर्टिकल्स योर स्कॉलरली वर्क हैज सम प्लेफुल हैज सम पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट कुछ उसमें विनोद है मजाक है हल्की फुल्का मजाक दिखता है आपके लेखों में